रोजाना ज्ञानवर्धक चीजों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान शनिदेव को न्यायाधीश कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति के जीवन में जो भी अच्छे या बुरे काम होते हैं, वे सब शनिदेव की वजह से ही होते हैं। इसीलिए बहुत बार ये देखा गया है कि कभी कभी कोई मुश्किल काम चुटकियों में हो जाता है और कभी कभार आसान काम भी बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं हो पाता। अगर आपकी राशि में शनि का गोचर 12वें भाव में है तो इसका मतलब आपकी राशि में शनि की 7.5 चल रही है। जी हाँ, जब शनि चंद्र के दूसरे भाव से निकल जाता है तो 7.5 खत्म हो जाती है और उस समय इंसान के जीवन में अपार खुशियों का संचार होता है। शनि चाल से चलने के कारण शनिदेव को शनिश्चर भी कहा जाता है। जब भगवान शनिदेव जन्म राशि से 12वें पहले या दूसरे स्थान पर आ जाती हैं तो जातक पर 7.5 की शुरुआत हो जाती है, जो 7.5 वर्षों तक चलती है। शनिदेव गोचर से 12वें स्थान पर होने से सिर पर, जन्म राशि में होने पर हृदय पर तथा दूसरे स्थान में होने पर पैरों पर उतरते हुए अपना प्रभाव डालती हैं। जन्म राशि से चौथे अथवा 8वें स्थान में शनिदेव के आने पर ढैया होती है, जो 2.5 वर्षों तक चलती है। बता दें कि जो व्यक्ति पाप कर्म करता है, महिलाओं का सम्मान नहीं करता और अधर्म के मार्ग पर चलता है, ऐसे लोगों को शनिदेव समय आने पर दंड देते हैं। शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए ज्योतिष शास्त्र में बहुत से उपाय दिए गए हैं, जिनमें हनुमान जी की उपासना, शनि चालीसा का पाठ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप, शनि अष्टक का पाठ, सूर्य देव की उपासना, पीपल के वृक्ष का पूजन, काले घोड़े की नाल वाली अंगूठी धारण करना आदि प्रमुख हैं। शनिदेव से संबंधित मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रों सह शनिये नमः का 1, 5 या 11 माला जप प्रतिदिन करने से भी भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ शनि प्रसन्न मंत्र नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का यदि कोई व्यक्ति हर दिन 21 बार जाप कर ले तो भगवान शनिदेव उस पर भी प्रसन्न सदैव रहती हैं। दोस्तों, यदि आपसे कुछ भी नहीं हो पा रहा तो आप ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का आप सुबह नहाने के बाद कम से कम 5 बार या फिर 108 बार जाप अवश्य कर लें। ऐसा करने से भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, इसी क्रम में ज्योतिष के मत अनुसार ग्रहों की चाल के कारण से कल सुबह से ऐसे संयोग बन रही हैं कि दोस्तों, कल सुबह से भगवान शनि उदय हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों इसी की वजह से, भगवान शनि के इस खास स्थिति में आने की वजह से भगवान शनि का आशीर्वाद अब कुछ राशि वालों पर पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भगवान शनि अब इन राशि वालों से प्रसन्न हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब इन राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। साथ ही साथ जिन राशि वालों पर शनि की 7.5 और शनि की ढैया प्रारंभ थी, चल रही थी, उनको भी भगवान शनिदेव का आशीर्वाद मिलने वाला है। दोस्तों, तो आखिर ये राशियाँ कौन सी हैं, इन्हें क्या लाभ होने वाला है, इन सब की जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे धनु राशि वालों की। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि शनिदेव की 7.5 का आपकी राशि पर अंतिम चरण चल रहा है, जिसको हम उतरती हुई ढैया भी कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उतरती हुई 7.5
धनु राशि वालों को लाभ ही लाभ देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि धनु राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर भगवान शनिदेव अब मेहरबान रहने वाले हैं। ख़ास तौर से जो व्यक्ति व्यापारी हैं उनको इस दौरान अपने व्यापार में अच्छा लाभ मिलने के योग बन रही है। आपको आने वाले समय में सफलता के बहुत से मार्ग प्राप्त हो सकती हैं। धन से संबंधित आपकी सभी परेशानियाँ दूर होंगी। कार्य क्षेत्र में आपको इस दौरान सम्मानित किया जा सकता है। शनिदेव की कृपा से आपके कारोबार में इस दौरान दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की आपको प्राप्त होगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों की। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि मकर राशि वालों पर शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है। बता दें कि शनि देव आपके राशि के स्वामी हैं और दोस्तों इस दौरान आपको हालांकि मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन शनि महाराज अब आपसे अति प्रसन्न रहने वाले हैं। आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी। खास तौर से प्रेम प्रसंग में जो व्यक्ति हैं उनका प्रेम विवाह होने का योग बन रहा है। आपके द्वारा की गई कोशिश बहुत ही जल्दी सफल होने वाली है। आपकी आर्थिक स्थिति भी इस दौरान मजबूत बनेगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति करेंगे। इस दौरान नया मकान भी आप खरीद सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें मिथुन राशि वालों की, तो बताना चाहेंगे कि आपके ऊपर शनिदेव की ढैया चल रही है, लेकिन दोस्तों आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है। शनि महाराज की कृपा दृष्टि भी आपके ऊपर अब लगातार रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में जो भी समस्याएं अब तक चल रही थी उन सभी समस्याओं का अब अंत होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको आने वाले समय में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आपको अपने अच्छे दोस्तों से मुनाफा मिल सकता है। अधिकारियों का इस दौरान पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों की पदोन्नति होने की भी इस दौरान संभावना बन रही है। दोस्तों बात करें अगर हम तुला राशि वालों की, तो बता दें कि शनिदेव की ढैया आपके ऊपर भी चल रही है। इस राशि के अंतर्गत आने वाले लोगों को आने वाले वक्त में मनचाही नौकरी अवश्य मिलेगी। इसके साथ ही साथ आप लोगों के अटके हुए काम भी आने वाले वक्त में पूरे होंगे। आपके जीवन में आने वाले सभी कष्ट अब भगवान शनिदेव दूर करेंगे। आपको अपने जीवन में तेज़ी से सफल होने से अब कोई नहीं रोक सकता। जो लोग नौकरी तलाश रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रही हैं, यहाँ वहाँ भटक रही हैं, तो बताना चाहेंगे कि इस दौरान आपको निश्चित रूप से नौकरी में सफलता अवश्य मिलेगी। बेरोजगार लोगों को नौकरी अवश्य अब मिलने वाली है। बस आप एक चीज़ से सावधान रहें कि इस दौरान झगड़े, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद से आप जितना हो सके दूर रहें, क्योंकि इससे आपको नुकसान होने की संभावना बन रही है। दोस्तों बात करें अगर हम मेष राशि की, तो मेष राशि वाले व्यक्तियों का बुरा समय काफ़ी समय से चल रहा था, लेकिन दोस्तों बताना चाहेंगे कि अब आपका बुरा समय ख़त्म हो चुका है। जी हाँ, इस राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर शनिदेव मेहरबान रहने वाली हैं। इस राशि वाले व्यक्तियों को मान सम्मान की अब प्राप्ति होगी। आने वाले समय में आपको सफलता अवश्य हासिल होने के योग बन रही हैं। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। आप अपने शत्रुओं पर इस दौरान विजय प्राप्त करेंगे। घर परिवार में खुशियों का वातावरण आपके बना रहेगा। बात करें अगर हम वृश्चिक राशि की, तो शनि की साढ़े साती आपके राशि से अब खत्म हो चुकी है। जी हाँ, इस राशि के अंतर्गत आने वाले लोगों को आने वाले वक्त में मनचाही नौकरी मिलेगी। इसके साथ ही साथ आप लोगों के अटके हुए काम भी आने वाले वक्त में पूरे होंगे। आपके जीवन में आने वाले सभी कष्ट अब दूर हो जाएंगे। आपको अपने जीवन में तेज़ी से सफलता प्राप्त होने से अब कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों अगर हम बात करें कुंभ राशि की, तो बताना चाहेंगे कि शनि की साढ़े साती का पहला चरण आपकी राशि पर चल रहा है, लेकिन दोस्तों आपको घबराने की कोई बात नहीं है। भगवान शनिदेव आपके राशि के स्वामी भी हैं। इस राशि के अंतर्गत आने वाले लोगों को किसी भी निवेश में लाभ मिलने की यह पूरी संभावना है। आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आप लोगों का बहुत समय से बटा हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए दोस्तों ये समय बहुत ही शुभ साबित होने वाला है। बहुत जल्द ही नौकरी मिलने की संभावना भी आपको बन रही है। नौकरी मिलते ही आपके प्रति सबका व्यवहार बदल जाएगा।
दोस्तों जो बाकी की राशियां हैं वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, आपके ऊपर भी भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि बरसने वाली है। आपके सभी बिगड़े हुए काम इस दौरान पूरे होंगे। लेकिन दोस्तों इसमें से सिंह राशि और मीन राशि वालों को इस दौरान थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। लापरवाही इस दौरान करने से आपके जीवन में आपको नुकसान हो सकता है। बता दें कि अगर आपके जीवन में परेशानी बहुत ज़्यादा हो तो आप शनिवार के दिन सरसों के तेल में अपने चेहरे की आप छाया देखकर उसे आप दान कर दें। इससे आपको लाभ होगा और आप हर शाम शनि चालीसा का पाठ और सुंदर कांड का पाठ कर लें। इससे आपकी परेशानी जल्द ही खत्म होगी। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय शनि देव अवश्य लिख दें। आपकी राशि कौन सी है ये भी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक किए बिना ना जाइए और इसे अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।